हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन बैंक के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू आर विजिटिंग दिस चैनल फर्स्ट टाइम, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर ईच वीडियोज़ टाइमली। तो इंडियन बैंक के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखना चाहेंगे कि इसके अंदर क्या सिचुएशन चल रही है। और दो बड़ी खबरें, अच्छी खबरें हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जो हम लोगों को एक्सपेक्टेड होती हैं, जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी बैंकिंग कंपनी से या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से। अगर हम बात करें इंडियन बैंक के लास्ट के 5 डेज की सिचुएशन के लिए, तो आप देखें तो 5 दिनों के अंदर वही चल रहा है जो पूरे बैंक निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। लास्ट के 5 डेज में देखें तो आपको गिरावट का सिलसिला दिखाई देगा। लास्ट के 1 महीने का देखें तो उसमें आपको थोड़ा सा गिरावट कम देखने को मिलेगी, लेकिन गिरावट ही है। आप देखें यहाँ पर तो यहाँ तक तो मेंटेन करके ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसके बाद हमें गिरावट देखने को मिलती है। लास्ट के 3 महीने में अगर आप देखेंगे सिचुएशन को, तो वहाँ पे आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा था, राइट। जब ये हाई बना था तो ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हुई और पूरे बैंकिंग जो PSU बैंक्स हैं, PSU स्टॉक्स हैं, उनके अंदर हमें गिरावट देखने को मिलती है, और वही इसके साथ भी हुआ। हालांकि 3 महीने में हाई है इसका 157 का, जो कि 18 फरवरी 2021 को बनाया था, और लो है इसका 74.05 का, 22 दिसंबर 2020 को बनाया था। तो हम बात करें इंडियन बैंक की, तो इंडियन बैंक अभी भी आपको लोअर वैल्यूएशन के ऊपर मिल रहा है। इसका टारगेट बहुत ऊपर है। ये PSU बैंक है, आपको पता है इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया गया था इंडियन बैंक में, तो वह अब ये April 1st से दोनों की ब्रांचेज जो हैं इंटीग्रेटेड हो चुकी हैं। पूरी सर्विसेज ये इंटीग्रेटेड तरीके से प्रोवाइड करेंगे ऑल ओवर इंडिया। इंडियन बैंक की मार्केट क्या बात करें तो 14,071 करोड़ है लगभग, यानी 14,000 करोड़ रुपए के आसपास की इसकी मार्केट कैप है। वहीं अगर आप देखें तो डिलीवरी डेटा अगर मैं आपको कल का बताऊं तो 29% के आसपास है NSE पे, और BSE के ऊपर जो टोटल डेटा है डिलीवरी का 53.4% के आसपास है। ओके, अब किसी भी बैंकिंग कंपनी या बैंकिंग स्टॉक की बात करें और उसके फाइनेंशियल्स की बात ना करें तो बात पूरी नहीं होती है। अगर हम बात करें इंडियन बैंक के फाइनेंशियल्स की, तो हम दो चीज़ों को देखेंगे, नेट प्रॉफिट और NPA को। तो नेट प्रॉफिट में 526 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है दिसंबर क्वार्टर के अंदर, जबकि इससे पहले सितंबर क्वार्टर में 424 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ था। वहीं हम NPA की सिचुएशन को देखें तो दो तरीके के NPAs होते हैं, GNPA और NNPA। GNPA का मतलब ग्रॉस नेट परफॉर्मिंग एसेट्स, और NNPA का मतलब नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ग्रॉस GNPA की बात करें तो उसको परसेंटेज में आपको बताऊं तो शॉर्ट में थोड़ा सा आप समझिएगा, 9.05% निकल के आया है दिसंबर क्वार्टर के लिए। वहीं हम NNPA की बात करें तो 2.35% निकल के आया है, जबकि GNPA अगर हम कंपेयर करें इससे पहले सितंबर क्वार्टर से तो उसमें 9.90% था, और इस बार गिर करके 9.05 हुआ। वहीं हम NNPA की बात करें तो 2.96% हुआ करता था सितंबर क्वार्टर में, और दिसंबर क्वार्टर में 2.35% गिर के हुआ है। तो GNPA हो चाहे NNPA हो, दोनों NPA की कैटेगरी के पार्ट हैं। तो NPA में किसी भी तरीके की गिरावट होती है तो ये एक बहुत ही खुशी की बात होती है, बहुत ही एक वेलकमिंग न्यूज़ होती है, इसे एक टिक कर सकते हैं आप, राइट। तो अभी करंट क्वार्टर यानी मार्च क्वार्टर के अंदर सिचुएशन और सुधरती है तो डेफिनेटली इसके स्टॉक प्राइस में हमें एक अप मूव देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बैंक ने कुछ एग्रेसिव एक्शन दिखाए हैं जो कि बहुत ज़रूरी भी होता है। आप यहाँ देखें तो इंडियन बैंक जो है दो प्रॉपर्टीज़ को, बेसिकली ये सारावाना स्टोर्स की दो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सभी को ऑक्शनिंग कर रहा है, और प्रॉपर्टीज़ की कीमत है 288 करोड़ रुपए। अब भाई ये तो बात बिल्कुल सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो और बैंक को टाइम पे पैसा नहीं चुकाओगे तो बैंक क्या करेगा? बैंक अपना पैसा तो वसूलेगा ना, क्या नहीं वसूलेगा? अगर बैंक अपना पैसा नहीं वसूलेगा तो उसका बिजनेस कैसे चलेगा? वो तो डूब जाएगा, वो तो कर्जे में चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होना चाहिए, हर बैंक को ऐसा करना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना कि बैंक जो है
पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ ये जनरली देखा गया है, इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी दूध के धुले नहीं हैं। आपको पता है बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं, यस बैंक का ताज़ा एग्जांपल देखा ही है आपने क्या हुआ था इसके साथ। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स की सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा इस मामले में ख़राब इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे अंदर ही अंदर जो है कॉरपोरेट सेक्टर्स को ये लोन बांट देते हैं और वो लोन वापस नहीं मिलते इन्हें, राइट। जिसको लेकर के बैंक्स की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। तो यहाँ पे इंडियन बैंक से और बैंक्स को सीखना चाहिए। हालांकि और बैंक्स भी ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पीएनबी को भी, मैंने आपको बताया था वो भी ऑक्शनिंग कर रहा है, राइट। उन प्रॉपर्टीज़ को जिन प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने कोलेटरल के रूप में ले रखा था। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ है कि पब्लिक सेक्टर लेंडर इंडियन बैंक, जिसको हम इलाहाबाद बैंक भी बोल सकते हैं लेकिन अब इंडियन बैंक बोलना ज़्यादा सूटेबल होगा, राइट। तो ये दो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को ये ऑक्शनिंग कर रहा है और जो कीमत बताई जा रही है 288 करोड़ रुपए, ठीक है, फ्रॉम द ज्वेलरी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स पार्टनर्स गारंटर्स एंड टाइटल होल्डर्स। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने इस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट किया था लोन को उठाते समय, राइट। तो यहाँ पे उस्मान रोड जो कि 4800 स्क्वायर फिट के रूप में फैला हुआ है, ठीक है, उस्मान रोड के आसपास की एक प्रॉपर्टी है। बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो जो रिज़र्व प्राइस है इसकी 124 करोड़ है, जो सेकेंड प्रॉपर्टी है उसकी जो रिज़र्व प्राइस है 46 करोड़ के आसपास है, ओके। तो आप देखें यहाँ पे तो अच्छी बात है, दोनों जो हैं कॉमर्शियल लोकेशंस पे हैं और डेफिनेटली यहाँ पे बैंक्स को अपनी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस अगर हो सकता है तो जो क्रूड इंटरेस्ट है वो भी वसूलने में मदद मिल सकती है। तो यहाँ पे अच्छी बात है। एक दूसरी खबर ये है गाइस कि बैंक इंडियन बैंक जो है 4000 करोड़ रुपये जो है ये रेज करना चाहता है मार्केट से शेयर सेल के जरिए। बेसिकली यहाँ पे बैंक ने अप्रूव किया, बैंक ने नहीं, बेसिकली बैंक के जो बोर्ड जो शेयर होल्डर्स हैं, मार्च 2 को इनकी एक मीटिंग थी शेयर होल्डर्स की, तो उन शेयर होल्डर्स ने एक अप्रूवल दिया है कि ये 4000 करोड़ रुपए जो है कैपिटल को रेज कर सकते हैं मार्केट से अलग अलग ट्रेंचेज में, यानी थोड़े थोड़े करके, राइट, थ्रू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP, राइट, QIP मेथड से ये रेस कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अब इसके लिए जो इंडियन बैंक है इसके कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, जिसको हम शॉर्ट में COD भी बोल सकते हैं, कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है, राइट। तो ये एक अपडेट थी जो आपको पता होना चाहिए अगर आप इसके अंदर होल्डिंग करते हैं तो, राइट। तो ये दो अपडेट्स थी गाइस इंडियन बैंक को लेकर के। तो आई होप आपको ये पॉइंट जो है समझ में आ रहे हैं, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज़ ऑल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ओपन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट इफ इन केस यू आर न्यू टू स्टॉक मार्केट, देर इज़ अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, क्लिक ऑन दैट लिंक टू ओपन योर अकाउंट इन अपस्टॉक। सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, टिल देन टेक केयर।